Good morning, children. You are most welcome in our video lecture. Now this is class 4th and today I am teaching mathematics chapter number 5th division. Okay? देखते हैं इस क्लास में अपन लास्ट क्लास में अपन ने डिवीजन देखा था, डिवीजन पढ़ा था. अब इस वाले इस क्लास में भी देखते हैं कि डिवीजन सिंगल डिजिट और टू डिजिट नंबर्स के डिवीजन कैसे करते हैं. ओके, सबसे पहले देखिए, अगर वापस से अपन रिकॉल करते हैं पिछले साल का, अगर मेरे को डिवीजन का मतलब क्या होता है, डिवीजन डिवाइड करना यानी उसको बराबर भागों में बांटना है. जिस प्रकार से डिवीजन की रिक्वायरमेंट के ऊपर ही, मान लो 35 ट्रॉफीज है, इनको मेरे को 5 चिल्ड्रन में डिवाइड करना है. कितने चिल्ड्रन में? 5 चिल्ड्रन में बराबर बांटना है, बराबर भागों में इनको बांटना है. मैंने कि तो चिल्ड्रन कितने हैं? 5. कितने चिल्ड्रन हैं? 5. अब इनको 5 बराबर भागों में 5 जनों को बांटना है. तो अपन क्या कैसे बांटेंगे, या तो क्या करें, पहले तो सिंपल सा तरीका है कि ये 35 टॉपीज को एक ट्रॉफी इसको दी, एक इसको दी, एक इसको दी, एक इसको दी, एक इसको दी. ओके, फिर वापिस से नंबर आए, क्योंकि अपन डिवीजन नहीं जानते तो क्या करेंगे, ये वाला ओल्ड मेथड अपनाएं. फिर वापिस से क्या करें, एक इसको दिया, 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 तो कितनी होगी? 5, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. अब देखते हैं एक के कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. पहले के कितनी? 7. दूसरे के भी 7. तीसरे के भी 7. चौथे के भी 7. फिफ्थ के भी 7. इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 35 को 5 जनों में बराबर भागों में बांटूं तो कितनी ट्रॉफी जाएगी हर एक के? 7, 7. तो इस इतने लंबे मेथड को 5 मिनट लगेंगे. इसको एक एक को, अगर मान लो आपने 5 स्टूडेंट बैठे हैं तो क्या करेंगे, एक इसको दिया, फिर इसके पास गया, फिर इसके पास गया, इसके पास गया, इसके पास गया, फिर वापस आया, फिर गया गया गया. तो इससे तो अच्छा है ना कि अपन डिवीजन मेथड अपनाए. कैसे? मैंने डिवीजन का सिंपल लगाया, ये 5 लिखा, फिर अपन को 5 की टेबल आनी चाहिए. टेबल अपन ने पिछले साल धारण की थी, तो 5 की टेबल बोलेंगे. तब तक बोलेंगे जब तक कि ये नंबर नहीं आ जाए. कब आएगा? 7 times 5, 7 जा 35. ओके, तो 5, 7 जा 35 होता है, तो 7 टाइम्स. इसका मतलब क्या हुआ, हर स्टूडेंट को 7 ट्रॉफी आएगी. तो फिर अपन क्या करेंगे, एक बार में 7 ट्रॉफी इसको दे दी, इसको दे दी, इसको दे दी, इसको दे दी, इसको दे दी. ओके, तो ये इतना बड़ा मेथड कम करने के लिए अपन ने डायरेक्ट डिवीजन किया. किससे? टेबल्स लर्न करके. ओके, तो जब अपन ये टेबल्स लर्न करके डिवीजन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, दो सिंपल मेथड है. मान लो ये तो था 35 को ये डिवाइड का सिंपल, 5 से डिवाइड किया तो क्या कितना आया आंसर? 7. अब इसमें ये ओके, तीन चीजें हैं. जो नंबर होता है जिसको डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड. ओके, क्या बोलते हैं? डिविडेंड. जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं डिवाइजर, और जो आंसर आता है उसको बोलते हैं क्वोशेंट. अब देखिए, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशेंट, ये तो वो था जब अगर यहां पर 35 की जगह 36 होता, फिर 5 की टेबल्स बोलो तो 7 टाइम्स 7 5 35, और रिमेनिंग कितना बचता? 1, जो उसको बोलते हैं रिमाइंडर. क्या बोलते हैं? रिमाइंडर. कितना आएगा? 1. इसमें रिमाइंडर कितना है? 0, क्योंकि ये पूरी पूरी बार भाग जा रहा है, इसमें फुल टाइम्स ये डिवाइड हो रहा है. इसमें 7 टाइम्स तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन उसके बाद 1 जो रिमेनिंग बचेगा उसको बोलते हैं रिमाइंडर. तो वो जो रिमाइंडर है जो बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर. तो ये तो इस तरीके से अपन डायरेक्ट, अगर अपन को टेबल्स लर्न हो तो इस तरीके से कर सकते हैं. दूसरा तरीका है, इसको किस तरीके से अपन जमाएंगे. मैंने 37 लिखा. ओके, इसके बाद ये वाला सिंबल बनाया, यहां पर लिखा मैंने 5. ओके, अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमेशा
इधर से डिवाइड करते हैं इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, ओके। अब ये तो है आपका डिविडेंड, ये है आपका डिवाइजर। अब मैंने इसको 3 को डिवाइड किया 5 से, अब 3 5 से छोटा नंबर है, कितना है, छोटा है, तो क्या होगा, ये इससे डिवाइड नहीं होगा, तो इसके ऊपर अपन ने क्या लगा दिया, 0, इसके जस्ट अबो, ओके। अब अपन किसमें देंगे, 3 7 37, पहले अपन ने सिर्फ 3 को डिवाइड किया था, अब किसको डिवाइड करेंगे, 3 7 37 को, 5 के टेबल्स बोलो, 5 7 1 35, तो ये कितने टाइम्स डिवाइड हुआ, 7 टाइम्स, ओके। तो यहां 7 लिखा मैंने, नीचे लिखा 35, ओके, तो ये 7 जा 35। अब इसमें से ये, इसमें से ये क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, जो आप सब्ट्रैक्शन आपको पता है, सबसे पहले अपन ये जो यूनिट प्लेस पे है जो है उसको क्या करेंगे, वंस वाले को डिवाइड करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, 7 में से 5 माइनस किया तो 2 बचा, 3 में से 3 गया तो 0, तो ये है आपका रिमाइंडर, क्या है, रिमाइंडर। अब ये जो रिमाइंडर आता है ना, एक चीज हमेशा ख्याल रखना, ये जो रिमाइंडर होता है ना, ये कभी भी इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर ये इससे बड़ा है तो इसका मतलब आपने उसको कम टाइम्स डिवाइड किया है या फिर वो गलत है, तो ये रिमाइंडर हमेशा आपके डिवाइजर से छोटा ही होना चाहिए। तो इस तरीके से अपन ये सिंगल डिजिट क्या करेंगे, डिवीजन। अब देखिए 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी है, कौन सा है, 196 को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले अपन जो इधर ही इधर, ये है 196, तो इसमें सबसे बड़ी पोजीशन कौन सी है, 100 पर कौन सा है, नंबर 1। अब क्या 7 1 7 से डिवाइड हो जाता है, नहीं होता, तो इसके जस्ट ऊपर, इसके जस्ट ऊपर क्या लगा देंगे, 0, ओके। अब 1 के जस्ट ऊपर अपन ने क्या लगा दे, 0। अब 1 7 से डिवाइड नहीं होता, तो अब किसको डिवाइड करेंगे, 1 9 19, इसको डिवाइड करेंगे। अब जो जितने टाइम्स डिवाइड होगा ना, वो यहां लिखा जाएगा, कौन से, दूसरे नंबर के जस्ट एबो यहां पर, ओके। 7 1 7 7 2 14 7 3 21, जो कि 19 से बड़ा हो गया। 7 की टेबल जैसे ही अपन ने 3 टाइम्स बोली, 2 टाइम्स बोलने के बाद जैसे 3 टाइम्स बोली, तो ये इससे आगे चला गया, 7 1 7 7 2 14 7 3 21, तो 21 किससे ग्रेटर हो गया, 19 से, तो अपन ने 2 पे ही स्टॉप कर देंगे और यहां पर लिख देंगे 2, और यहां पर 7 2 14, ओके, ये 14 लिखा। अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9 से 5 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 5, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 0। अब ये देखिए जो इन दोनों का रिमाइंडर कितना आया, 5, 7 से छोटा है ना, छोटा है, तो इसका मतलब ये सही है। अब क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आया अभी अपने पास, यहां पर एक डिजिट और है, तो इसको क्या करेंगे, इस वाले डिजिट को ऐसा का ऐसा ही नीचे उतार देंगे यहां पर। अब नया नंबर क्या बना, 56, नया नंबर क्या बना, फिर वापस से देखो ये वाला नंबर है, इसका ऐसा का ऐसा यहां पर उतार देंगे, तो नया नंबर क्या बना, 56। तो 7 को इससे डिवाइड करो कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, तो अब ये जिस नंबर के नीचे लिखा था ना, इसी के जस्ट ऊपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसी के जस्ट ऊपर, तो 7 8 56, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 5 को 5 से 0, ये 0। अब यहां पर कुछ नंबर बचा क्या, नहीं, तो इसका मतलब ये अपना आंसर है, यानी आपका क्वेश्चन कितना आया, 28। एक चीज ध्यान में रखना, यहां पर जो अंक आया उसी के नीचे, उसी के ऊपर लिखना उसका रिमाइंडर। अगर आपके लास्ट में कोई अंक ऐसा आए, कोई डिजिट इसके ऐसा आए कि उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब आपने कहीं कहीं गलती की है। तो इस तरीके से करेंगे तो अपन सिंगल डिजिट डिवीजन आराम से कर पाएंगे, ओके। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट एफ 8885, इसको डिवाइड करना है 6 से। सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 8।
वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, कौन सी थाउजेंड, तो 7000 वाली वैल्यू में अपन क्या देंगे डिवाइड करेंगे, 8 को 6 से डिवाइड करो, 6 1 6 6 2 12, यानी कितने टाइम्स डिवाइड हुआ ये, 1 टाइम्स, तो 6 1 6, यहां पर अपन ने ये 8 के ऊपर वंस लिख दिया और यहां इसको सबट्रैक्ट कर दिया, तो 8 में से 2 सबट्रैक्ट किया तो 6 सबट्रैक्ट किया तो 2 रिमाइंडर बचा। अब नेक्स्ट डिजिट कौन सी है 8, उसको नीचे प्लेस कर देंगे, तो ये लिख दिया अपन ने 8, क्योंकि 2 6 से छोटा है, रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है, तो उसमें क्या वो डिवाइड होगा ही नहीं, तो नेक्स्ट डिजिट ऊपर से नीचे रिप्लेस की, अब कितना आ गया 28, 6 को से 28 को डिवाइड करो 6 से, ओके 6 वंस आर 6, 6 टू आर 12, 6 थ्री आर 18, 6 फोर आर 24, 6 फाइव आर 30, जो कि 28 से बड़ा है, तो 6 फोर आर 24, ये सबट्रैक्ट किया तो यहां कितना रिमाइंडर बचा 4, 0। अब नेक्स्ट क्या प्लेस कर देंगे अपन 8, तो कितना हो गया, अब आपने 48, कितना हो गया 48, ओके। तो अब देखो 6 1 आर 6, 6 2 आर 12, 6 3 आर 18, 6 4 आर 28, 24, 6 5 आर 30, 6 6 आर 36, 6 7 आर 42, 6 8 आर 48, तो ये लिखा 6 8 आर 48, 8 से 8 रिप्लेस, 4 से 4 गया तो 0। अब नेक्स्ट डिजिट क्या उतारेंगे 5, क्या उतारेंगे 5, अब 6 को सॉरी 5 को डिवाइड करो 6 से, क्या करो 6 से डिवाइड हुआ 5, 6 से छोटा है, लेस है, छोटा नंबर है, तो ये इससे डिवाइड नहीं होगा। अब अपने और संख्या है क्या, नहीं है, तो इसको यही स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के पहले ये देखना, अपन से अगर कोई नंबर डिवाइड नहीं होता तो इसका मतलब कितनी बार डिवाइड हुआ हो रहा है, वो 0 टाइम्स, तो यहां पर अपन 0 लिख देंगे, अपन ने 5 को डिवाइड किया 6 से, तो 6 से ये कितनी बार डिवाइड हो रहा है 0 टाइम्स, पहला तरीका तो ये है। दूसरा है ये है, ये इसका आंसर यहां आ गया, इसका आंसर यहां आ गया, इसका आंसर यहां आ गया, लेकिन ये अपन ने यहां रिप्लेस करने के बाद आपका 6 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये ऐसा का ऐसा ही नहीं छोड़ना, आप ये देख लो कि ये अगर ऐसा कैसा ही छोड़ दे, इसका मतलब यहां पर कुछ न कुछ तो आना चाहिए, तो यहां पर क्या आएगा 0, क्योंकि ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये तो है आपका डिवाइजर, ये इसका क्वेश्चन, और रिमाइंडर कितना आ गया 5, कितना आ गया 5, तो ये इसका डिवीजन है।